असलम क्लास सेवन। क्लास सेवन हम एनुअल सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और एनुअल सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आपको जो दिसंबर का है वो यूनिट एट चेंजेस इन मैटर। मैटर तो आप लोग पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर से भी। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। और मैटर की थ्री स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब जो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं चेंजेस इन मैटर, यानी कि चेंजेस हमें पढ़ने की मैटर में चेंजेस जो है वो किस तरह से आया जो है वो आती है, कि टेम्परेचर अगर इफेक्ट कर रहा है उन पर या कोई और केमिकल के साथ वो मिल रहे हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस में मिल रहे हैं तो क्या चेंजिंग आती है, या वो मेल्ट हो रहे हैं, या हम उनको सब्सटेंस को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, हीट दे रहे हैं, तो इन सब चीज के जो आपके चेंजेस हैं लाते हैं हम इन सब्सटेंस में, तो उनकी वजह से मैटर में क्या चेंजेस जो है वो आती हैं वो हम इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करेंगे। अब जब चेंजेस की हम बात कर रहे हैं तो चेंजेस जो है टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है फिजिकल चेंज और दूसरी होती है, यानी कि फर्स्ट काइंड फिजिकल चेंज, दूसरी काइंड है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और सेकंड है केमिकल चेंज। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब हम आइस क्यूब्स लेते हैं, आइस क्यूब्स को अगर हम ऐसे ही ग्लास में डाल के थोड़ी देर के लिए उसको जो है वो छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं, यानी कि लिक्विड बन जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी को दोबारा से, उस वाटर को दोबारा से ले रहे हैं, उस लिक्विड को आइस जो इसके मोल्ड होते हैं उनमें डालें तो दोबारा से वो आइस बन जाता है। तो यानी कि हमें सिर्फ क्या चेंज हुई, इसकी स्टेट चेंज हुई और कोई नई चीज़ उसमें नहीं बनी। इसी तरीके से अब हम सॉल्ट जो है वाटर में डिजोल्व करते हैं, यानी उसको हमने डाला, दो स्पून जो है एक ग्लास में डाला और उसके बाद हमने स्टेयर के उसको डिजोल्व कर लिया, तो हम हीटअप करेंगे तो वाटर जो है एवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट हमारे पास दोबारा आ जाएगा। इस तरह शुगर को भी हम करेंगे दोबारा से वापस आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो इस तरह से हम कह रहे हैं कि चेंज नहीं हो रही, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, ये सब चीज़ कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की तरफ आते हैं कि सेकंड जो काइंड है केमिकल चेंज, इसे आप जो नॉर्मली हम एवरीडे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, जब एग को हम फ्राई कर लेते हैं तो एग दोबारा से रॉ मटेरियल में नहीं आता, दोबारा से यानी कि दोबारा से वो अपने जो है रॉ मटेरियल में नहीं आता, तो ये केमिकल चेंज है। फिर आप अगर हम कैंडल को जो है वो अगर हम कैंडल लें और उसको जलाते हैं, उसको लाइट करते हैं, तो कैंडल मेल्ट होना शुरू हो जाती है, वैक्स मेल्ट हो रहा है, वैक्स तो दोबारा से जो है वो फ्रीज हो जाएगा दोबारा। लेकिन जो आपकी जो उसमें जल रही होती है ऑक्सीजन के साथ मिलके वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, दोबारा से आप उसको फॉर्म में नहीं ला सकते। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अगर आप पेपर जलाते हैं, कागज का ही पेपर ले लें और उसको जो है वो जलाएं, तो दोबारा से वो पेपर अपनी कंडीशन में नहीं आ सकता, वो सिर्फ हमारे पास एशेस यानी कि राख जो है बचेगी। इस तरह आपकी जो नेल होती हैं, आयरन की नेल होती है, उसमें जंग लग जाता है रस्टिंग जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो भी दोबारा से आप फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। तो ये सब कहलाते हैं आपके केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज क्या है कि जिसमें आप उनको दोबारा से बैक नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज में जो है वो दोबारा से बैक कर सकते हैं। फिर केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जब यानी कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, क्योंकि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता। फिर सेकेंडली कि फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी चेंज होता है, जिसमें अभी आपको आइस क्यूब की मिसाल दी, जबकि केमिकल चेंज जो है परमानेंट है, जैसे फ्राई आपको मैंने एग की एग्जाम्पल दी, मेल की एग्जाम्पल दी, क्या अभी परमानेंट चेंज होगी, दोबारा से वो अपने रॉ मटेरियल में नहीं आ सकते।
फिर इसके अलावा एक चीज और है कि फिजिकल चेंज में जस्ट क्या होता है कि आपका मास तो चेंज हो रहा है, वेट वॉल्यूम बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रबड़ लूँ, रबड़ को मैं स्ट्रेच करती हूँ तो वो स्ट्रेच हो गया, लेकिन दोबारा से मैं उसको जो है वो छोड़ दूंगी, रिलीज कर दूंगी तो वो दोबारा अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि मास तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन उसमें कोई नई चीज नहीं बनी। ठीक, तो ये आपकी एग्जाम्पल जो है वो कहलाती है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। एक चीज से फिजिकल चेंज आपको समझ में आ जाएगा, मैं एग्जाम्पल ही आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आइस है, आइस किस में कन्वर्ट होगा मेल्ट होने के बाद? वाटर में। और देखिएगा इसमें आपको और क्लियर समझ में आएगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कि किस तरह से जो है वो पिक के जरिए आपको समझाया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जिससे मैंने अभी आपको बताया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, तो अब फिजिकल चेंज कहलाते हैं जिससे मैंने आपको बताया कि दोबारा से हम उसको जो है रॉ फॉर्म में ले आते हैं। तो ये फिजिकल चेंज असल में क्या कहलाता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंज, जैसे मैंने आपको फ्राइंग ऑफ एग की मिसाल दी कि हम जब एक दफा एग फ्राई हो जाएगा या पेपर को हम एक दफा जला लेंगे तो वह चीज बन जाता है, दोबारा से पेपर नहीं बन सकता, तो वो कहलाता है रिएक्शन। केमिकल चेंज क्या कहलाएंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि हम दोबारा से उसको जो है रिवर्स नहीं कर सकते। तो आपके फिजिकल चेंज क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। और केमिकल चेंज क्या कहलाते हैं? आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कहलाते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, फिजिकल चेंज को हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं और केमिकल चेंज को इरिवर्सिबल भी कहते हैं, क्योंकि चेंज जो है वो नहीं हो सकता दोबारा से उस फॉर्म में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है क्लियरली, कि किस तरह से जो है हम फिजिकल चेंज किसको कह रहे हैं और केमिकल चेंज हम किस जो है वो उसको कह रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो शुरू हो रहा है वो है फर्टिलाइजर्स, कि अब फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं वो हम इसको डिस्कस जो है वो करेंगे क्लास 7। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आपका पेज नंबर ओपन कीजिएगा, फर्टिलाइजर आपका पेज नंबर जो है 74। पहले जो भी हमने टॉपिक किया फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, अपनी बुक से भी रीड आउट करना है, आपका ये जो पेज है 73 पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजर, ये आपका पेज नंबर 74 और 75 पर यहाँ पे दिया गया है। पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको पॉज करके फिर आपने जो है इसको रीड आउट भी जो यहाँ से करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स मीन्स आमतौर पर जो नॉर्मली हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं खाद। अब प्लांट अभी फर्टिलाइजर है क्या? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर दियर प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि प्लांट को अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो केमिकल्स दरकार होते हैं, केमिकल्स चाहिए होती है, जरूरत होती है उनको, वो क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजर। क्योंकि तीन बेसिक आपके एलिमेंट होते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन और आपका फॉस्फोरस। पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये तीन एलिमेंट जो है वो जमीन में यानी सॉइल में होना जरूरी है, जिनको जो है प्लांट अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसी जमीन जहाँ पे प्लांट लगाए जा रहे हैं वहाँ पे अगर ये एलिमेंट नहीं होंगे तो किसानों को यानी फार्मर्स को जो है फिर वो आर्टिफिशियल तौर पर ही खाद जो है फर्टिलाइजर जो है वो यूज करनी पड़ती है ताकि प्लांट को जो प्रॉपर ग्रोथ जो है वो मिल सके। अब ये ऐसे होते हैं जो है कहलाते हैं फर्टिलाइजर जिनमें ये तीनों एलिमेंट मौजूद होते हैं। कौन कौन से? आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। कैन के एन के पी कहलाते हैं ये, अक्सर जो आपके फर्टिलाइजर के बैग्स होते हैं उन पे भी इस तरह से जो है लिखा हुआ होता है। अच्छा, उसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन जो है प्लांट को नाइट्रोजन साइकिल से भी जो है मिल जाता है। नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उसको नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, देन प्लांट जो है उसका फिर यूज करते हैं और फिर देन प्रोटीन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से देखिएगा पेज नंबर 75 ओपन कीजिएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स दिए हुए हैं जो काफ़ी सारे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड यूरिया। ज़्यादातर जो यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर वो आपके यूरिया एंड अमोनियम नाइट्रेट हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप जो फर्टिलाइजर यूज़ करें उसका चीप होना भी बहुत जरूरी है, यानी सस्ता होना भी बहुत जरूरी है,
ताकि उसको यूज इजीली जो है फार्मर जो है उसको जो है वो ले सकें और यूज कर सकें। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बहुत गुड फर्टिलाइजर है, उसके अलावा बहुत चीप है, और ये इंडस्ट्री में जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अमोनिया और नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और इसके जो है प्रिपेयर ये होता है। अच्छा, उसके अलावा ये भी है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं फर्टिलाइजर्स के, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूली प्लांट पे फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो आप जो सॉइल है वहाँ पे वो सारी जो है वो क्या हो केमिकल, क्योंकि भी केमिकल ही है। तो फिर क्या होगा, जब ये बारिश होती है तो वाटर जो है होता है वो आएगा खेतों से, तो वो पानी जो है वो समंदर में जब गिरेगा सी में जाएगा तो वो भी कैसा होगा, केमिकल वाला होगा। तो उसके अलावा जो यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं वो भी इन केमिकल से जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए फर्टिलाइजर, ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमें करनी चाहिए फर्टिलाइजर कम से कम जो है वो यूज किए जाए, सिर्फ जब जरूरत महसूस हो तो जब जो है वो यूज किए जाए। उसके अलावा जो एक नेचुरल तरीकेकार है वही हम यूज किए जाएंगे, प्लांट और एनिमल जो जिनके डीके होता है या एनिमल मैन्योर होता है वो यूज किए जाते हैं। उस तरह की बात जो है रॉ मटेरियल के तौर पर जो है प्लांट जो है वो कोई भी फसल उगाई ली जाती है वहां पर और फिर उसको जो है वो ऐसे छोड़ देते हैं तो उसी की खाद जो है बन जाती है वहां पर, यानी कि फर्टिलाइजर बन जाता है। तो ये आप यहाँ से इसको रीड आउट भी कर लीजिएगा पेज नंबर 74 एंड 75 पर। अब फर्टिलाइजर भी आपको जो है वो क्लियर समझ में आ गया होगा।